रॉकस्टार गेम्स ने अपनी रेपुटेशन GTA और RDR 2 जैसे गेम्स से बनाई है, लेकिन इतने पॉपुलर गेम्स के बीच हम कुछ ऐसे गेम्स के बारे में भूल जाते हैं जो अच्छे तो बहुत थे लेकिन पॉपुलर नहीं हुए। अब वो पॉपुलर क्यों नहीं हुए ये तो कहना मुश्किल है, मे बी उनकी सेटिंग सबके लिए सूटेबल नहीं थी या वो गलत टाइम पर लॉन्च किए गए। और ऐसे में देखकर बहुत बुरा लगता है कि इतने अच्छे मास्टर पीसेस पॉपुलर क्यों नहीं हुए। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं 10 मोस्ट अंडररेटेड रॉकस्टार गेम्स यू शुड प्ले बिफोर यू डाई के बारे में। और इस वीडियो से मैंने आप लोगों को इन अंडररेटेड येट अमेजिंग गेम्स के बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश की है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। ओनी एक थर्ड पर्सन एक्शन गेम है जो 2001 में आया था फॉर विंडोज मैक एंड PS2। इस गेम में हम कोनोको की स्टोरी को फॉलो करते हैं जो न्यूली अपॉइंटेड एजेंट है फॉर टेक्नोलॉजिकल क्राइम टास्क फोर्स। वो अपने एंड्रॉइड पार्टनर के साथ मिलकर कंपनी के लिए मिशंस करती है। इस गेम में हैंड टू हैंड कॉम्बैट था और थर्ड पर्सन शूटिंग भी थी। हमारे पास 10 वेपन्स थे, फ्रॉम रॉकेट लॉन्चर टू एनर्जी वेपन्स, और इवन ऐसे मूव्स थे जिससे आप इनविजिबल भी हो सकते हो, और जो फाइट करने के लिए अरीनास थे वो भी फुली एक्सप्लोरेबल थे। तो आप भी इस गेम को जरूर ट्राई करना, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आसानी से चल जाएगा। 9th नंबर पर है द वॉरियर, और इस गेम से पता लगता है कि रॉकस्टार कैसे किसी मूवी को भी एक अच्छे गेम में बदल सकता है। ये गेम गैंगलैंड मूवी पर बेस्ड है और ये 2005 में एक्सबॉक्स और PS2 के लिए आया था। इसमें द वॉरियर नाम के स्ट्रीट गैंग पर मर्डर का इल्जाम लगा दिया गया जिसे उन्होंने गलत प्रूफ करने की कोशिश की और अपने एरिया में वापस आने की भी कोशिश की, और उसमें जो फाइट्स हुई उसके अराउंड पूरी स्टोरी बेस्ड है। तो 3D बीट द मॉब स्टाइल गेम और ये मूवी और नॉवल दोनों को ही टोली फॉलो करता है, तो जिनके पास PS2 है वो इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है मैनहंट गेम, जो कि रॉकस्टार का काफी कंट्रोवर्शियल गेम है। वैसे रॉकस्टार के तो सारे गेम्स कंट्रोवर्शियल होते हैं। खैर, हम इस गेम की बात कर रहे हैं जिसका मेन प्रोटैगनिस्ट है जेम्स अर्ल कैश, जिसे फोर्स किया जाता है ऐसी फिल्म्स बनाने के लिए जिसमें एक्चुअल मर्डर हो रहा है। तो इसमें मर्डर वाले सीन को प्रॉपर्ली दिखाया गया है जिसकी वजह से इसे काफी क्रिटिसाइज किया गया था। तो एक स्टेल्थ हॉरर टाइप गेम है जिसमें कैश अपने इनमेट्स का मर्डर करता है। अब आपको अगर मैं एग्जांपल दूं कि इसमें ग्राफिक वायलेंस किस हद तक जा सकता है, तो ये वाला जो मूवी सीन है ना, ये एक्चुअल में गेम में हुआ था, और मतलब सही में हुआ था। अब आप समझ जाओ। आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि रॉकस्टार गेम्स ने 4 रेसिंग गेम्स भी बनाया है जो मिडनाइट क्लब सीरीज का पार्ट थे। बल्कि इन गेम्स को तो अच्छी रेटिंग भी मिली थी पर फिर भी पॉपुलर नहीं हो पाए। तो ये भी ओपन वर्ल्ड गेम्स हैं जहां बहुत सारी कार्स हैं जिन्हें कस्टमाइज भी किया जा सकता है और रेसिस में पार्ट किया जा सकता है। इसमें प्रॉपर करियर मोड है जो कि एक स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग चलता है, और इस सीरीज के 4 गेम्स काफी ज्यादा बढ़िया और यूनिक है। मतलब ओवरऑल जो रेसिंग गेम्स बनते हैं उनसे थोड़े अलग टाइप के आएंगे, और इसलिए मैं कहूँगा कि आपको जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आपको रेसिंग गेम्स पसंद है तो। 6th नंबर पर है GTA चाइनाटाउन वॉर्स, और ये भी काफी अंडररेटेड है क्योंकि शायद ये टॉप डाउन गेम है। वैसे आप में से जिसने भी ये खेला है एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसमें हम हुआंग ली की स्टोरी को फॉलो करते हैं जिसके पिता टायर्ड बॉस थे और उन्हें मार दिया गया था। वो लिबर्टी सिटी जाता है जहां टिपिकल GTA इवेंट्स अनफोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। अब ये भी नॉर्मल GTA की तरह चलता है, लेकिन इसकी स्पेशल चीज है ड्रग डीलिंग सब प्लॉट्स जो इस गेम के बेस्ट थे। मतलब अगर किसी भी गेम में साइड मिशंस की बात होती है ना, तो इस गेम की जरूर बात होती है। GTA चाइनाटाउन वॉर्स, इसके साइड मिशंस काफी ज्यादा अच्छे थे और इसीलिए इसको याद भी किया जाता है, लेकिन इसे खेलना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए आपके पास PSP या Nintendo DS होना चाहिए। अगला गेम है रेड डेड रिवॉल्वर, और ये काउबॉय गेम है जिसे खेलने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसमें आप वो डेड हार्लो जो कि एक बाउंटी हंटर है और कर्नल डैरन से अपने पिता की मौत का बदला लेता है। तो ये भी एक वेस्टर्न गेम है जिसमें बहुत सारी शूटिंग होती है, लेकिन रेड डेड रिडेम्पशन की तरह ये ओपन वर्ल्ड नहीं है। ये एक आर्केड स्टाइल गेम है जो कि मतलब उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग उसका वर्ल्ड ओपन होता जाएगा, लेकिन फिर भी RDR की पूरी फील देगा ये आपको। फिर आता है GTA Vice City स्टोरीज, और एक काफी अंडररेटेड गेम है मेरे हिसाब से। इसकी स्टोरी अच्छी थी देखा जाए तो। GTA Liberty City स्टोरीज को तो लोग फिर भी जानते हैं क्योंकि वो मोबाइल पर अवेलेबल है, और GTA Vice City स्टोरीज मोबाइल पर अवेलेबल नहीं है इसलिए लोग इसे नहीं जानते, सिर्फ PSP के लिए ही आया था बेसिकली। तो इस गेम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो GTA Vice City से पहले की स्टोरी है, मतलब सेटिंग पूरी सेम है बस कुछ साल पहले की है। और इस गेम का जो मेन कैरेक्टर है वो एक्चुअल में वही है जो GTA Vice City की स्टार्टिंग में मरा था, जी हाँ, लैंस का भाई विक्टर वैंस। तो ये पूरी आपको GTA Vice City की फील तो देगा ही, बस एक थोड़े अलग स्टाइल में। और साथ ही इसकी सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें तैर भी सकते हो, मतलब जो दिक्कतें थी GTA Vice City में वो इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं और काफी अच्छे से इंक्लूड की गई हैं। तो मैं कहूंगा यार इस गेम को जरूर ट्राई करो, काफी अच्छा गेम है, और बल्कि अगर आपके कंप्यूटर में San Andreas है ना तो ये आपके कंप्यूटर में चल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मॉड का लिंक दे रहा हूं, उसे डाउनलोड करना, थोड़ा ट्यूटोरियल वगैरह देख लेना यूट्यूब पे, तो आपको पता लग जाएगा कि इस गेम को कैसे खेलना है अपने PC में। 3rd नंबर पर है LA Noir, जो कि एक डिटेक्टिव गेम है और आपको इसमें एक मर्डर मिस्ट्री सुलझानी होती है। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट रिक्रिएशन है किसी भी डिटेक्टिव सीन का, और इस गेम को याद किया जाता है इसके बहुत ही अच्छे फेशियल एक्सप्रेशंस और एनिमेशंस के लिए, लेकिन इसके ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है, फिर भी इसकी अच्छी स्टोरी के लिए भी इसे याद किया जाता है। मतलब आपको इंटरोगेशन सीन्स में पार्ट लेना होगा, क्लूज ढूंढने होंगे, और थोड़ा पेशेंस वाला गेम है, लेकिन अगर आपको CID पसंद है ना तो ये गेम भी आपको जरूर पसंद आएगा। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा इसे खेलो।
सेकंड नंबर पर है मेरा फेवरेट शूटिंग गेम, जिसकी स्टोरी भी अच्छी है, ग्राफिक्स और भी अच्छे हैं, और गेम प्ले तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जी हाँ, मैं एक्सप्लेन 3 की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर आपको फास्ट शूटिंग पसंद है ना, तो ये गेम आपके लिए है। ऊपर से इसके सिनेमैटिक्स भी काफी अच्छे हैं और मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आए थे। साथ ही इसकी पूरी शूटिंग मैकेनिक्स भी काफी सही है। इसमें हम मैक्स पेन की स्टोरी को फॉलो करते हैं, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और ब्रांको फैमिली के लिए काम कर रहा है। मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि यार मैक्स पेन 4 भी आए, लेकिन इसके फ्लॉप होने की वजह से रॉकस्टार इसकी तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखने वाला। फर्स्ट नंबर पर मैंने रखा है GTA 4 को, और स्पेसिफिकली उसकी दोनों DLCs को। अब आप भी कहोगे भाई GTA 4 को क्यों रख रहा है, क्यों मजाक कर रहा है। यार देखो, GTA 4 काफी ज्यादा अच्छा गेम है, लेकिन उसे इतनी हेट मिली है ना कि लोग उसे भूल गए हैं। रॉकस्टार ने इसे बनाते वक्त एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था कि इस गेम की पूरी वाइब को थोड़ा अलग बनाया था। मतलब इस गेम की ओवरऑल वाइब है वो थोड़ी डार्क है, माफिया स्टाइल है, जो लोगों ने पूरा खेलकर भी नहीं देखी होगी। अगर मेरे से कोई पूछे ना कि तुम GTA 4 को किस लिए याद करोगे, तो मैं कहूंगा फॉर इट्स फिजिक्स एंड माइंड ब्लोइंग स्टोरी। और इससे बुरा ये लगता है कि लोगों को GTA 4 तो पता है, लेकिन द बैलेट ऑफ गे टोनी और ऑशन डैम के बारे में तो पता भी नहीं है। इन DLCs के बिना तो GTA 4 पूरा ही नहीं होता, ये बिल्कुल उसका पार्ट है एक तरीके से। तो वैसे मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि लोग GTA 4 को क्यों हेट करते हैं, क्या चीज उन्हें पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर भी यार तुम GTA 4 और उसकी DLCs को जरूर ट्राई करो यार, काफी बढ़िया है वो। तो गाइज यही थे वो 10 गेम्स जो कि रॉकस्टार ने बनाए और मेरे हिसाब से काफी अंडररेटेड है। और गाइज अगर आपको बहुत सारे गेम्स के बारे में जानना अच्छा लगता है, उनकी न्यूज जानना अच्छा लगता है, तो मैं टेलीग्राम पर रेगुलर आपको रोज अपडेट्स भेजता रहता हूँ कि क्या न्यूज आ रही है, वो भी बहुत शॉर्ट फॉर्म में। तो नीचे मैंने लिंक दिया, आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। और गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइज।